जानती है मौत, फिर भी इतनी लापरवाही। ना तो सीट बेल्ट लगाते हैं और ना पहनते हैं हेलमेट। ऐसे लोगों के लिए हेलमेट मैन ने छेड़ा बड़ा अभियान। फ्री में बांट रहे हेलमेट और बचा रहे लोगों की जान। कौन है ये हेलमेट मैन? क्यों बने लोगों के लिए भगवान? सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से कुछ ही महीनों पहले एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि भारत में होने वाले सड़क हादसों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन इन हादसों में मरने वालों का आंकड़ा भारत में दुनिया के किसी भी देश से कहीं ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद सड़क पर वाहन दौड़ाने वाले लोगों में ज्यादातर लोग ना तो सीट बेल्ट लगाते हैं और ना ही हेलमेट पहनते हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए सरकारें तो समय समय पर अभियान चलाती ही रहती हैं। तो वहीं एक शख्स ऐसा भी है जो घूम घूम कर लोगों को फ्री में हेलमेट बांटता है और खुद भी कार चलाते वक्त सीट बेल्ट तो लगाता ही है, साथ ही हेलमेट भी लगाना नहीं भूलता। सड़क पर फरिश्ता बनकर घूम रहे इस शख्स का नाम है राघवेंद्र कुमार, जिन्हें लोग हेलमेट मैन के नाम से भी जानते हैं। राघवेंद्र कुमार वैसे तो बिहार के रहने वाले हैं, मगर वो पिछले 8 सालों से यूपी के शहर नोएडा में रहकर रोड सेफ्टी के लिए अभियान चला रहे हैं। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हेलमेट मैन के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले राघवेंद्र कुमार जब भी सड़क पर निकलते हैं उनके साथ हेलमेट जरूर रहता है, और रास्ते में चलते वक्त जो भी बाइक सवार बिना हेलमेट के नजर आता है उन्हें राघवेंद्र कुमार फ्री में हेलमेट देते हैं, जिससे वो बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कर सके। ऐसा ही एक वाकया उस वक्त देखने को मिला जब हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार खुद हेलमेट लगाकर कार चला रहे थे कि तभी उनकी नजर बिना हेलमेट के एक्सप्रेसवे पर बाइक दौड़ा रहे युवक पर पड़ गई। फिर क्या, आम तौर पर अपनी कार की स्पीड 100 से नीचे रखने वाले राघवेंद्र ने इस बाइक सवार तक पहुंचने के लिए 100 की रफ्तार से कार चलाई और ओवरटेक कर पहले तो बाइक सवार को रोका, फिर उसे गिफ्ट के तौर पर हेलमेट देते हुए किस तरह से जागरूक किया इस वीडियो में देख लीजिए। जिसे खुद राघवेंद्र ने पोस्ट करते हुए लिखा है, अपनी कार की रफ्तार 100 से ऊपर नहीं ले जाता, लेकिन लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक व्यक्ति जब मुझे ओवरटेक कर रहा था तो मैं दंग रह गया, क्योंकि बिना हेलमेट उसकी रफ्तार हमसे ज्यादा थी। उसे सुरक्षा कवच हेलमेट देने के लिए 100 से ऊपर अपनी गाड़ी को भगाना पड़ा, अंत में उसे पकड़ ही लिया। आपको मैं लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ, आप बिना हेलमेट के निकले हुए हैं। आपको गाड़ी के पीछे सनेस देखा आपने क्या लिखा है? गाड़ी के पीछे देखा आपने क्या लिखा है? यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, तो हेलमेट का प्रयोग करें। और मैं उस वक्त भी आपको रोकना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं आप सामने वेट कर रहा है इस वजह से। तो आप बिना हेलमेट के निकल गए एक्सप्रेसवे पर? हेलमेट घर पे भूल गया था। आप लगाइए दुर्घटना, ये बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? निखिल तिवारी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? इटावा के। अच्छा, जा कहाँ रहे हैं आप? हाँ, अच्छा सिकोहाबाद। लेकिन इस एक्सप्रेस में पता है ना बिना हेलमेट नहीं जाना है। चलिए आप लगाइए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपने कभी सोचा था कि कोई हेलमेट आपको एक्सप्रेस में दे सकता है? ये तो नहीं सोचा था, बट ऐसे देते हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है? मेरा नाम वैसे राघवेंद्र कुमार है, लेकिन हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से पूछिए, आप गूगल पे सर्च करिएगा मैं। ठीक है, आप लगाइए हेलमेट लगाइए, और इसको कभी भी बिना हेलमेट कभी भी नहीं चलना है। ठीक है, आपके बाल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये अच्छी तब लगती थी आप मस्तक पर हेलमेट रहता है, क्योंकि एक्सप्रेस वे मौत का एक्सप्रेस वे है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेके जाता हूँ। और ये बेल्ट भी बांध लीजिए। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, और दूसरों को भी जरूर जागरूक करिएगा। हेलमेट मैन राघवेंद्र की इस पहल की मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने भी तारीफ की है और लिखा है, दिस इज कॉल्ड हार्टफुल एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न। हेलमेट मैन
राघवेंद्र पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कार के पीछे लिखवाया भी है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए। बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों को बचाने के लिए ऐसी सोच रखने वाले राघवेंद्र कुमार कुछ ही दिनों पहले पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी गए थे, जहाँ उन्होंने बताया था कि आखिर क्यों लोगों को वो फ्री में हेलमेट बांटते हैं। और इस वक्त जो मिशन चल रहा है कि यानी कि दोस्तों को बचाने का, अगर आपका कोई दोस्त है सड़कों पर जो कि बिना हेलमेट सदैव चला करता है और यातायात नियमों के प्रति अनदेखा करता है, तो आप सावधान हो जाए, वो दोस्त आपका शिकार भी हो सकता है। यही मैसेज लेकर के अगर आपका दोस्त ना समझे सड़क हादसों के खिलाफ, तो आप उसे लेकर के आए हेलमेट पहन के पास। इस वक्त मैं वाराणसी में जगह जगह चौराहों पर उन्हें हेलमेट दे रहा हूँ, जैसा कि लोग फॉर्म भी भर रहे हैं, ताकि जिनके दोस्त ना समझे वो सड़कों पर हेलमेट नहीं लगाते हैं और उनके पास तमाम बहाने हैं, तो उस दोस्त को पकड़ कर लेकर आए, ताकि ये कथा जो मेरे हाथों में आप हेलमेट देख रहे हैं उसके मस्तक पर लगे और आप एक अच्छा दोस्त बने। क्योंकि भविष्य में जिस तरीके से मैंने अपने दोस्त को खोया था जो कि सड़कों पर हेलमेट नहीं पहना था, और आज उसी चीज को लेकर के मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ सड़कों पर, और आप हमें जानते भी हैं, और इस वक्त एक मेरा दोस्त भी है जिसका नाम है अंकित डिंगरा, बैनर में लिखा हुआ है, उन्होंने भी कुछ हेलमेट भेजा हुआ है, ताकि आपके ना समझ दोस्तों को मैं हेलमेट दे सकूँ। तो आप फटाफट देर न करें और हेलमेट मैन ऑफ इंडिया का, चाहे आप ट्विटर पे जाएं या फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं भी, ताकि आप अपने दोस्त की डिटेल भेजें और उसको दिखाएं कि ये हेलमेट मिल रहा है और लेकर के आए और हमसे एक हेलमेट गिफ्ट लेकर के जाएं, ताकि भविष्य में सड़क हादसों को रोक सकें। क्योंकि सड़क हादसों के प्रति घरों के जो चिराग बुझ रहे हैं वो बहुत ही दुखनीय है, और जिस परिवार में जब पीड़ा हो जाती है तो शायद किसी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होता है। हेलमेट मैन के नाम से मशहूर हो चुके राघवेंद्र कुमार बाइक सवारों को तो फ्री में हेलमेट बांटते ही हैं, बाइक के पीछे बैठने वाले बच्चों को भी हेलमेट बांटने में लगे हुए हैं, जिससे उनकी भी जान बचाई जा सके। अपनी इस पहल के बारे में हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार कहते हैं, जब भी बाइक लेकर परिवार निकलता है तो आगे पीछे बैठे व्यक्ति तो हेलमेट पहनते हैं, लेकिन बच्चों को हेलमेट नहीं पहनाते। जबकि सुप्रीम कोर्ट के साल 2019 के आदेश के अनुसार 18 साल से कम के बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी है, इसलिए मैं सड़कों पर छोटे बच्चों को हेलमेट बांट रहा हूं। 2 साल पहले मैंने ये शुरुआत की है, अब तक 2000 छोटे बच्चों को हेलमेट बांट चुका हूं। आपको बता दें, घूम घूम कर लोगों को हेलमेट बांट रहे राघवेंद्र कुमार ने दरअसल करीब 8 साल पहले एक सड़क हादसे में अपने दोस्त कृष्ण को खो दिया था। वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे और राघवेंद्र कुमार के अच्छे दोस्त थे। सड़क हादसे में दोस्त को खोने के बाद राघवेंद्र कुमार हेलमेट मैन के रूप में लोगों के सामने आए, और जो भी बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए नजर आता है उसे जागरूक करने के लिए राघवेंद्र फ्री में हेलमेट देते हैं। उनकी इस पहल के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।